सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले फाइनेंस डिटेल्स कवर करेंगे, तो भैया अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम धीरज सिंह है। धीरज सिंह नाम हुआ इनका अपना। तो इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ता है ये एसएक्स वेरिएंट का जो लगा हुआ है? 32,000। 10,32,000 का ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मिनिमम डाउन पेमेंट डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोफाइल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब कर रहे हैं, आपका अभी जो ऑफर्स चल रही है, हर एक बैंक की अलग अलग एक ऑफर होती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं सपोज में SBI को, तो SBI का अगर आप देखेंगे तो अभी सर ऐसा डाउन पेमेंट बताइए जो मतलब हर कस्टमर कर पाए, हर एक सिविल के मतलब अकॉर्डिंग हो। सिविल के अकॉर्डिंग हो तो अगर आपका 750 प्लस सिविल है तो आपको ऑन रोड का 80-85% ऑन रोड फंड, यानी कि सर 1-1.5 लाख, 1-1.5 लाख। हाँ ठीक है, मतलब ये 1-1.5 लाख में। और तो 1-1.5 लाख का कस्टमर डाउन पेमेंट करता है तो 5 साल का EMI कितना आएगा सर? 5 साल का सर कितना पड़ेगा? अगर हम 5 ईयर की बात करेंगे तो आपकी अप्रॉक्स EMI 1 लाख के डाउन पेमेंट पे आपकी आ जाएगी। वो आ जाएगी 18,000 आएगी 5 ईयर का। भैया आप 7 ईयर की बात, 7 ईयर की क्या सर? 7 ईयर कितनी आएगी? 7 ईयर की अगर आप बात करते तो 7 ईयर की आ जाएगी 14,000 EMI आएगी। 7 ईयर का 14,000 आएगा। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे कोई भी क्यूरी हो तो? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7979-7479-7474-8582। तो ये सर का कॉन्टैक्ट फिर से बता दीजिए सर एक बार, 7979-7484-8582। और सर ये लोकेशन क्या हुआ आपका, लैंडमार्क एग्जैक्ट ये शोरूम का? ये चंद्रवंशी नगर है, चंद्रवंशी नगर जी सर, बाईपास रोड अनिशाबाद से है इतना। माही बैंकेट हॉल के जस्ट अपोजिट में हमारा शोरूम है। शोरूम का नाम है क्रिश हुंडई। क्रिश हुंडई नाम है शोरूम का। तो इसका लोकेशन एग्जैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पर डाल दूंगा। सर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉन्टैक्ट में जाएगा। तो आप लोग कोई भी क्यूरी हो, कोई भी गाड़ी से रिलेटेड हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर इसमें एक मॉडल आता है बेस मॉडल, उसका कितना ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है सर? मॉडल की अगर बात करेंगे तो 7,10,000 से, 7,10,000 से एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाता है, मतलब 7,10,000 से गाड़ी का मतलब एक्स्ट्रा का मॉडल स्टार्ट हो जाता है। जो कि SX ऑप्शनल का कितना पड़ रहा है इसका? SX ऑप्शनल की बात करेंगे तो 10,32,000 10,32,000 पड़ रहा है। ठीक है सर। और इसकी सबसे टॉप मॉडल की बात करेंगे SX ऑप्शनल कनेक्ट, सबसे कनेक्ट क्या बोले सर, SX ऑप्शनल कनेक्ट AMT, उसका कितना पड़ रहा है? 11,77,000 पड़ रहा है एक्स्ट्रा का। इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं है सर? इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं। ठीक है, इसमें आपको डैशकैम वगैरह हर एक फैसिलिटी, डैशकैम वगैरह सब देखने को मिलेगा। की जितनी भी गाड़ियां आती हैं तो अभी हम रिव्यू करें एक्स्टर का, जो कि SX वेरिएंट है। तो फ्रंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक्स्टर की बैजिंग मिल जाती है, जो कि आपको सिल्वर फिनिश में दे रखा है, और DRL वगैरह कुछ हिस्से में दे रखा है। हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 185mm का एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करने वाला है लो पैचेस एंड ऑफ रोडिंग वगैरह में। बात करें LY की तो डायमंड का टाइप का LY सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश में दे रखा है। और BM की बात करें तो बॉडी पेंटेड मिल जाता है, बिट इंडिकेटर दे रखा है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर करता है ये वाला वेरिएंट। और ऊपर में रूफ रेस आपको ब्लैक कलर का दे रखा है। बैक से बात करें तो यहाँ पे दे रखा है आपको H शेप में मिल जाता है एक्स्टर का हेडलैम्प, और यहाँ पे Hyundai का लोगो सिल्वर फिनिश में दे रखा है। यहाँ पे ब्लैकआउट फिनिश दे रखा है। रियर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर में शार्क फिन ब्लैक कलर का दे रखा है, नीचे में रिफ्लेक्टर एंड सिल्वर फिनिश दे रखा है। तो इंटीरियर की तरफ चलते हैं अभी। तो इंटीरियर की तरफ आपको ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का, देख सकते हैं आप, जो कि ऐसा लुक है गाड़ी का। तो आपको इंटीरियर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये मीटर वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है, जो कि आपको फुली डिजिटल वे में दे रखा है जो मीटर वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे Hyundai का लोगो दे रखा है, जो कि सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। बाय द वे क्रूज कंट्रोल भी ऑन मिलता है ये वाला वेरिएंट में आपको, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश दे रखा है। बात कर लेते हैं इसके एडजस्टमेंट वगैरह की, तो आपको इसका एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है, टिल्ट वे में मिल जाता है इसका जो एडजस्टमेंट है। तो वैसे स्टीयरिंग वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है Hyundai के लोगों के साथ, मीटर वगैरह कुछ ऐसा मिल जाता है, जो कि आपको फुली डिजिटल दे रखा है, जो कि ऑल वार्निंग से रिलेटेड और मतलब हर चीज़ दिखाएगा आपको। तो लेदर है पूरा, स्टीयरिंग दे रखा है यहाँ पे। बात करें सीट के एडजस्टमेंट की, जो कि आपको मैनुअली भी हमें करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है, और इसका भी एडजस्टमेंट आपको मैनुअली भी हमें करना पड़ेगा। और बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाता है, ORBM का फोल्ड अनफोल्ड आपको ऑटोमेटिक दे रखा है ये वाले वेरियंट में। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो मतलब एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी ऑफर करता है। तो अभी इसका दिखाते हैं आपको, मतलब ऑल मेनू समझा के, जो कि वॉइस मेनू DRBM वगैरह सब दे रखा है।
और मैनुअली वे में भी स्मार्टफोन का कनेक्ट कर सकते हैं, और ये पूरा ब्लैकआउट फिनिश में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। बात करें एसी वगैरह की, तो ऑटोमेटिक एसी दे रखा है, जो कि ऐसे वन टैप करते इसका एसी ऑन हो जाएगा, जो कि ऑफर करता है आपको फ्रंट रियर डिफॉगर। नीचे में आते तो आपको दे रखा है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है वॉइस यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है कुछ सॉकेट वगैरह नीचे में दे रखा है, यहाँ पे नीचे में सॉकेट वगैरह मिल जाता है। बात करें इसके गियरबॉक्स की, तो 5-speed ट्रांसमिशन ऑफर करता है, और इसका रिवर्स कैमरा कुछ ऐसा दे रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियर दे रखा है इसका जो रिवर्स कैमरा, जो कि आपको पार्किंग वगैरह में हेल्पफुल होने वाला है इसका जो रिवर्स कैमरा। और ये ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं इसका जो ब्राइटनेस वगैरह है अपने पार्किंग कम्फर्ट वगैरह के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दे रखा है इसका रिवर्स कैमरा। बात करें यहाँ पे कप होल्डर्स, यहाँ पे मैनुअल तरीका वाला हैंड ब्रेक। बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा दे रखा है इसका जो ग्लव बॉक्स में स्पेस वगैरह, जो कि कूल ग्लव बॉक्स दे रखा है। इधर पे आपको पूरा ब्लैकआउट फिनिश देखने को मिलेगा डोर्स पे, और इधर पे भी डोर्स पे आपको ब्लैकआउट फिनिश देखने को मिलेगा। विंड्स वगैरह पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। बात करें सनवाइजर की, तो सनवाइजर पे इधर आपको कुछ नहीं मिल जाता, टिकट होल्डर बस एक दे रखा है। बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे हैलोजन बल्ब मिलता है ये वाला वेरिएंट पे, और यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिल जाता है इधर वाले सनवाइजर पे आपको मिरर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके इधर की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल तरीका वाला सनरूफ दे रखा है, जो कि ऐसे करते इसका सनरूफ जो है ऐसे करते ऑन हो जाएगा यहाँ से, मतलब अपना सनरूफ को ऐसे करते ऑन कर सकते हैं आप, जो कि आपको ऐसे करते ऑन हो जाएगा, जो कि छोटा सा एक सनरूफ दे रखा है जो कि ये वाला वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है ये जो सनरूफ है। बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे सीट्स वगैरह का क्वालिटी वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर दे रखा है। तो हेडरूम वगैरह की बात कर लेते हैं अभी, हेडरूम वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे, जो इसका जो हेड में मतलब हेडरूम वगैरह है कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे जो हेडरूम वगैरह है। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो अभी चलते हैं इसके बैक की तरफ, मतलब सेकंड रो में चलते हैं, बताते हैं स्पेस वगैरह मतलब कैसा दे रखा है इसके सेकंड रो में ये एक्स्ट्रा की। तो अभी चलते हैं सेकंड रो के अंदर चलते हैं, मतलब सेकंड रो में चलते हैं और बताते हैं स्पेस वगैरह मतलब कैसा दे रखा है। लेग रूम वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा मतलब लेग रूम वगैरह दे रखा है, जो लेग रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर दे रखा है जो लेग रूम वगैरह। और यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट भी मिल जाता है, बिट एडजस्टमेंट दे रखा है यहाँ पे, चार्जिंग पोर्ट्स नीचे में देखने को मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाता है। तो लेग रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर दे रखा है। बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट दे रखा है, जो कि आपको रात में हेल्प करने वाला है मतलब नाइट विजन के लिए तौर पर। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल्स दे रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा स्पेस दे रखा है ये गाइस एक्स्ट्रा में आपको पीछे की तरफ। और यहाँ पे सीट्स वगैरह का भी कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा दे रखा है, सीट्स वगैरह का जो कंफर्ट वगैरह, तो ऐसा मिल जाता है इसका जो एक्स्ट्रा का लुक है बैक से गाइस। तो कमेंट करो ये लुक कैसा लगा आपको एक्स्ट्रा का, मतलब ये बैक से। और यहाँ सनरूफ दे रखा है, जो कि आपको ये जो सनरूफ है आपको हेल्पफुल होने वाला है, मतलब अगर मतलब पहाड़ वगैरह में अगर आप जाते हैं तो ये सनरूफ आपको मतलब ऊपर से निकल सकते हैं, तो सनरूफ का अच्छा यूज होता है गाइस। तो पावर फिगर वगैरह की बात कर लेते हैं ये एक्स्ट्रा की। सो गाइस बात करें इसके पावर फिगर की, तो आपको इसमें मिल जाता है 81 BHP देखने को मिल जाता है, 113 NM का टॉर्क के साथ 81 BHP देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, जो कि आपको 37 लीटर का दे रखा है इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो इसके बूट स्पेस की तरफ अभी चलेंगे। तो इसके बूट स्पेस की बात करें, तो आपको 391 लीटर का स्पेस दे रखा है, जो कि आपको एक्स्ट्रा लगेज वगैरह कैरी करने में हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पे एक बड़ा पार्सल ट्रे भी मिल जाता है, जो कि लाइट लगेज वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और एक हैलोजन बल्ब भी दे रखा है, जो कि नाइट विजन में आपको हेल्प करने वाला है। तो कुछ ऐसा इसका बूट में जो है स्पेस मिल जाता है।